मैं सोनाधर पोयाम विश्वकर्मा हूँ और ग्राम कुसमा है, कोंडागांव जिला और तहसील कोंडागांव है और छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय छेकुराम जी हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं और अभी मैं यहीं पर काम करता हूँ। और मेरे को इस काम में प्रथम बार भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन सन 87 में उन्होंने पुरस्कार दिया। उसके बाद सोशल वर्कर समाज सेवा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल अवार्ड 92 में मिला और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ गोल्डन जुबली, वो भी भारत सरकार ने सम्मान किया। कला श्री, कला निधि 3 बार, कमला देवी चट्टोपाध्याय और उसके बाद बजाज फाउंडेशन द्वारा वो भी सम्मान मिला हुआ है। और बाकी जो राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का अलग अलग राज्य से भी सम्मान मिला हुआ है। तो सोनाधर जी, आप पहले लोहार हैं बस्तर के, छत्तीसगढ़ के, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जी। तो उस पुरस्कार मिलने के बाद क्या फर्क आया आपके जीवन में? ऐसा सर, आप लोगों के दुआ से, मतलब वहाँ मैं यहाँ पर था तो मेरे को यहाँ से भोपाल ले गए, भोपाल से फिर दिल्ली ले गए, इंदौर झाबुआ धार होते हुए दिल्ली ले गए। और हमारे वहाँ पर अफसर हैं मुश्ताक खान और जतिंद्र जैन। फिर उसके बाद पुतुल जाकर आई, 1 तारीख को उन्होंने वहाँ इनॉग्रेशन किया हमारे कार्यक्रम का और उसी दिन उन्होंने घोषणा किया था, ऐसा चीज आपने बनाया जो कि आज तक किसी ने बनाया नहीं। तो फिर वहीं पर मेरे को फिर आपको इससे नेशनल अवार्ड मिलेगा करके उन्होंने आश्वासन दिया। और 1 साल के बाद मैं सूरज कुंड में था और अचानक डीसीएच ऑफिस से वहां मेरे पास गए और बोले कि आपको अवार्ड मिलने वाला है। तो मैं बोला किस चीज का अवार्ड, क्या है, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैंने बहुत खुशी हुआ। ये जो बस्तर के लोहार हैं, तो इनका बस्तर के जो समाज है, आदिवासी समाज है, गैर आदिवासी समाज है, इसमें क्या महत्व है इनका? वैसे तो आप आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासी के पास कोई ऐसा चीज नहीं है जैसे कि लोहार ने लोहा का औजार बनाया, कुम्हार ने हंडी बनाया, घरवा लोगों ने मूर्ति का काम किया, बसोर जाति के लोग बांस, जो संस्कृति में चलता है यहाँ पर, मरना जीना खान मतलब शादी बर विवाह सब में। तो हम लोग आदिवासी नहीं होते, हमारे जो कला है आदिवासी कला कहलाता है। जीवन में देखिए, ये तो शिकार करने, जब शुरू में शिकार करके लोग जीते थे, जैसे शिकार करने के लिए तीर कमान भाला बर्छी वगैरह, कृषि औजार, देवी देवता के लिए जैसे देवी देवता में बलि चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके लिए फरसा है कर, मतलब माटी दो बोलते हैं, तो वहाँ छुरी बगैर तो वो पुजारी पूछता नहीं है। तो ये मतलब हर चीज हम लोगों के बिना मतलब गाँव अधूरा है। और कम से कम एक लोहार परिवार गांव में होना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसके बगैर खेती किसानी कुछ भी नहीं होता है। जैसे कहीं शादी हुआ किसी के यहाँ, तो वहां पर एक गाय का पुजारी बोलते हैं, वो मुखिया होता है, वो आता है तो जंगल में जाकर के महुआ का झाल लाता है, वो दगा दी और उसको मतलब वो कुल्हाड़ी नहीं होगा तो काटेगा कैसा। उसके बाद उसको मंडप में उसको गाड़ते हैं, उसके लिए सावल चाहिए। उसके बाद जैसे आदमी मर जाता है तो उसके लिए गड्ढा खोदना है, तो उसके लिए ही तो लोहार का बनाया हुआ सावल या फावड़ा चाहिए। तो ये मतलब सारा चीज लोहार का ही चीज का उपयोग होता है आज से कई 100 साल से। कृषि के लिए जैसे फावड़ा है, बसूला है, भिन्ना है, हल का जो फाल बोलते हैं ना वो है, मतलब घाना जो लगाना बनाना सीखा वो इस इसी से है। वैसे इस मिट्टी का होता है ना सारा, बीच में पुला होता है इधर से, फिर वो जतर बोलते हैं ना, उससे फिर अपने पैर में लेफ्ट रात को कोयला ऊपर से पत्थर डालते जाते हैं, एक साइड से मैल निकलते जाता है, फिर वो 7 घंटा 8 घंटा होने के बाद फिर उसको वापस खोल के उसको निकाल करके दूसरा जगह में फिर उसको पिघलाया जाता है, रिफाइन करते हैं और उसको फिर वो सीट बना करके जो भी बनाना है, औजार हो या जो दिया है, औजार नहीं होते थे, हाथ में उसको वो पिघलना पड़ता था। फिर वो बाद में थक गए, फिर जाके भगवान से विनती की कि कैसा करेंगे ऐसा है, फिर वो फिर बाद में उन्होंने वो बताया, तो उस ढंग से फिर वो जैसे कुत्ता का वो घूमते घूमते कुत्ता ऐसा टाइप का वो जो पैर रख के वो सोया था, तो वैसी टाइप का वो सिंसी बनाए, चिमटा जो बोलते हैं, फिर हथौड़ी बनाए, ऐसा करके फिर वो औजार। तो ये दिया कितने प्रकार के होते हैं? दिया ये तो खुद दिया मेन है, वो शादी पूजा की जगह में आसन में भी उसको रखते हैं, देवी के मंदिर में भी उसको गाड़ के रखते हैं,
शादी के मंडप में सुधार के रखते हैं, उसके बाद लामन दिया है, सुपुरी दिया है। अभी लामन दिया क्या होता है, एक एक बताओ। लामन दिया मतलब वो लंबा आकार का होता है, उसमें भी जैसे ये तो उसमें गाड़ देते हैं, ये खुद दिया हुआ उसको टांगते हैं ऊपर झुलाते हैं, उसको लामन दिया बोलते हैं, लंबा आकार का होता है। उस दिया को, लामन दिया को लड़की के शादी में दहेज के प्रथा में अभी भी प्रचलित है। अच्छा। वो देना पड़ता है, देना पड़ता है। और वो दहेज दिया क्या होता है, दहेज दिया उसी को बोलते हैं ना, जो दहेज, अच्छा जो दहेज में देंगे वही दहेज दिया जी। और दूसरे और कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने देखा ये मरनी दिया भी होता है। हाँ, मरनी में जो मठ वगैरह नहीं होता है सर, उसमें भी मतलब वो जो अलग अलग डिजाइन का, उसमें कुछ आदमी जो अच्छा काम करता है, जैसे आदमी मरता है तो दो किस्म का होता है, एक तो ऐसा घृणात्मक बीमारी से मरता है, उसको अपने पितर में लोग नहीं करते उसको अलग मतलब उसको वो करते हैं, और जो अच्छा काम करके मरता है उसका मठ बनाते हैं और उसके ऊपर उसके कुछ जीवनी दर्शाते हैं, ये आदमी अच्छा था, ऐसा ऐसा काम किया करके, फिर उसको मठ के ऊपर रख करके उसमें फिर दिया वगैरह जलाते हैं, जैसे कभी जो पितर उतर नहीं होता है वैसे टाइप में उसको मठ दिया। ये जैसे बनाने के लिए जब देते हैं तो उसका कोई विधान होता है? हाँ, जैसे कि इस टाइप का वो बनाना है, ऐसा उसका कुछ कहानी टाइप का बनाना करके वो बताते हैं, तो दिया के लिए बताते हैं वो क्या बनाना। हाँ, वो मतलब ये क्या करता था, इसके मतलब खास क्या चीज है वो बताते हैं, तो उस ढंग से उसको बनाते हैं। अभी भी बनता है? अभी भी बनता है सर, अभी वो अपने वहाँ पर देखेंगे जो हमारे घर के बाजू में अपने परिवार के, तो वहाँ भी सब लगा हुआ है। और कौन कौन सा दिया बनाते हैं, जैसे ये खुर दिया हो गया, लामन दिया हो गया, सुपली दिया हो गया, फिर मठ दिया, यानी कई प्रकार का दिया, अभी तो जो जोड़ा भी मतलब अलग अलग डिजाइन, अभी तो अलग अलग सब, फिर और ये देवी देवता में भी चढ़ाते हैं। हाँ, अभी भी है ना सर, हाँ झूला दिया, हाँ ये माता झूला दिया, ये सब चीज मैंने भी तो कई बनाया है। अच्छा, तो आप कब चढ़ाते हैं? वो जैसे यात्रा वात्रा नहीं होता है, जैसे क्या है कोई आदमी बीमार होता है, किसी घर में आदमी मतलब बहुत परेशान रहते हैं, तो वो देवी के यहाँ जाकर के वो बोलते हैं कि भगवान हे देवी मेरे को ठीक कर दे, तेरे को ये जो भी है मतलब ये चढ़ा दूंगा, ऐसा करके वो जो बदना बोलते हैं ना हमारे उधर, तो वही उसको फिर ले जाके चढ़ाते हैं, मतलब बदला बदेंगे तो फिर वो चढ़ाना पड़ता है। तो कभी भी चढ़ा देते हैं या उसके कोई दिन होते हैं? नहीं, उसके साल में एक बार या दो बार यात्रा होता है, एक तो चैत्र बोलते हैं ना वो उस समय, और एक मांग यात्रा बोलते हैं, एक फिर अभी नया खान आएगा भादुन यात्रा, तो तीन में मतलब चैत्र मतलब आमा वगैरह चिरंजी वगैरह है ना, इसका पूजा करते हैं, उसके बगैर नहीं खाते लोग। जैसे भादंग जत्रा हुआ तो ये नया खानी जो होता है ना, उसके पहले जत्रा बना करके नया खानी होता है, तो नया जो अन्न होता है ना उसको वहाँ पर पूजा किया जाता तो है उस समय ये चढ़ाया। हाँ, और ये जैसे खेती किसानी करना है, धान बोनी या रोपाई या जैसा भी है ब्यासी वगैरह, उस समय फिर वो आपका वो भी पूजा करते हैं, उस समय फिर चढ़ाते हैं, उसको चढ़ाते हैं जी, झूला दिया है, जैसे राव घोड़ा है, यानी जो मतलब जिसको जैसा मन में आता है वो बोलता है कि मैं ये चीज चढ़ा दूंगा। तो ये घोड़ा रावदेव में चढ़ा जी, रावदेव में मतलब ये रावदेव ऐसा है, जैसे एक घोड़ा एक इतना मतलब वो तेज जानवर है दौड़ने में, तो जैसे ये गाँव है, एक दूसरा गाँव है, जैसे संध्या राव झुन्ना राव में झूला चढ़ाते हैं, तो संध्या राव बहुत राव का, तो एक दूसरे गांव का बीमारी हमारे गांव में न आए करके उसको खेत के अंदर झाड़ होता है, झाड़ बादल झाड़ बोलते हैं, उसमें उसको रख करके उसका पूजा करते हैं, क्योंकि तुम मतलब बीमारी को उधर वापस भेजना, इधर आन मत देना, ऐसा करके उसका पूजा होता है। तो ये घोड़ा लोहे का ही बनवा के चढ़ा? लोहे का, पहले तो लोहे का ही होता था, दो पैर का होता था, अभी भी है कहीं कहीं, मैंने जो स्टार्ट किया चार पैर का, तो अभी मार्केट में जैसा भी है वो हमको डिस्प्ले करना है, वो रखना है शोरूम में रखना है,
तो वो चार पैर का हुआ, नहीं तो दो पैर का पहले घोड़ा उसमें चढ़ाते थे, फिर भाला उसके लिए जो घोड़ा के ऊपर सवार होता था और जो शत्रु को मारना है या मतलब दूसरे को मतलब गांव का बीमारी को भगाना है तो वो उसके लिए भाला, ये त्रिशूल, ये बर्छी, ये सब वो वहां पर रखते हैं, ये सब लोहे का बना के रखते हैं। जी, तो ये कब करते हैं रावदेव? रावदेव वही फसल कटाई के पहले, दीपावली जैसे वो होता है ना उसके पहले ये रावदेव में ये हाँ। चढ़ाते हैं। और इसके अलावा और लोहार पारंपरिक रूप से आदिवासियों के लिए क्या क्या चीजें बनाते हैं? उनके लिए वही मतलब शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए और जो शादी बरह के लिए दीपा दिया वगैरह, पूजा पाठ के लिए दिया, ये मरने के लिए भी मतलब वो दिया, ये सब अभी पहले भी बनाते थे अभी भी बना रहे हैं। तो ये जो पुराने तरीके का जो काम था अब वो क्या कैसा आप क्या उसमें फर्क आ गया, कुछ इसमें फर्क आया आप? ये थोड़ा सा तो फर्क है मार्केट के हिसाब से, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं प्रदर्शनी वगैरह में तो वो बोलते हैं कि हमको इस टाइप का चाहिए। जैसे क्या है, मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य लोकोत्सव हुआ तो उस समय एक गेट बनाया हूँ अभी म्यूजियम में है, 30 फीट हाइट है और 20 फीट चौड़ा, और उसके अंदर से वो सोनिया गांधी इनॉग्रेशन के लिए आए थे। दिल्ली में भी इंदिरा गांधी ट्रस्ट मेमोरियल में वहाँ भी है, वहाँ बंबई में ताज होटल में है, वहाँ कलकत्ता में साइंस सिटी में है। तो ऐसा लोग बोलते हैं तो जैसे दरवाजे के लिए मेन गेट है, विंडो है, पार्टीशन है, कई एक प्रकार के नया नया जो मांग के हिसाब से वो भी। ये जो पहले तो पारंपरिक सब बनता था ये नए ढंग का काम कब से शुरू हुआ? ये काम मार्केट में मैंने जब से गया ना तब से मेरे को लोग बोले कि ऐसे टाइप का भी काम करे, मैंने देखा कि ये सब मतलब 1987 के बाद। हाँ जी सर, उसके पहले तो अपना गांव में ही जैसा होता था, वो दिया वगैरह है, जैसे त्रिशूल है, तीर कमान है और कृषि औजार है, ये सब उस समय होता था। फिर मैं जैसे मेरे को इवार्ड वगैरह मिला ना, उसके बाद फिर इधर उधर सब बड़े नगरों में महानगरों में जाना हुआ तो उससे फिर लोग बोले कि हमको इस टाइप का चाहिए, ऐसा बनाओ तो चलेगा, तो उसको भी शुरू किया। तो आज जो बस्तर के लोहार हैं वो जो सामान बना रहे हैं तो उसमें गांव के लिए कितना होता होगा और शहर के लिए कितना बना रहे हैं? ये गांव के लिए जैसे रोजमर्रा का काम है वो तो गांव में होता ही है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। जैसे एक प्रकार देखा जाए देवी देवता का पूजा करना है, उसका कुछ ना कुछ सामान वहां पर लगता है, और शादी है तो उसके लिए भी लगते ही है। शादी होगा तो दो तीन दिन चार दिन पहले बोलेंगे, मरनी है तो इतना फिर दो चार दिन के जैसे मठ तुरंत तो दफना करके मत नहीं बनाते, दो चार दिन के बाद उसका क्रियाक्रम होता है तब वो बनाते हैं, तो उसके लिए भी वो बताते हैं कि हमको ये बना दो। फिर और जैसे कृषि का हुआ, जैसे बीज बोना है तो पहले लोहार के घर में जाएंगे कि हमारा ये मतलब नांगर जो हल्का जो लोहा है इसको बना दो, इसको बजा दो, फिर फावड़ा है तुंगिया कुर्सी जो भी है वो बना दो बोलते हैं। जैसे उसके बाद ब्यासी आता है जो मतलब रोपाई वगैरह करते हैं, उसके लिए छोटा हल चाहिए तो उसके लिए भी उसके यहाँ पहले जाते हैं, उसको बनवाते हैं, उसके बाद फिर वो काम करते हैं। तो मतलब एक प्रकार सोचा जाए तो लोहार के बिना गाँव अधूरा है। हाँ जी वो तो सही है, लेकिन जो अब ये जो दिए और दुनिया भर की सजावटी जो चीजें बन रही हैं तो मतलब इनकम आप लोगों की गांव से ज्यादा हो रही है या शहर से आप लोग ज्यादा? नहीं ऐसे तो गांव में एक बार रख लेता है तो वो मतलब उसको बार बार जब जरूरत होगा तभी वो बनवाएगा, और शहर में क्या है लोग सजावट के लिए कुछ यूटिलिटी के लिए उपयोगिता जो सामान है वो लोग खरीदते हैं। पत्थर में से लोहा निकालने का काम कम बंद हो गया? ये बंद तो ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, हम लोग भी करते थे, मैं खुद बहुत किया हूँ। जब से यहाँ के गवर्नमेंट है ना वो पत्थर पहाड़ से लाने नहीं देता, और जो फॉरेस्ट वाले हैं जंगल से लकड़ी निकालने नहीं जलाने नहीं देते, तो उसमें बहुत लगता है मतलब कोयला पत्थर तो है ही नहीं यहाँ पर बस्तर में, तो कहाँ से वो करेंगे? फिर भी कितना साल हो गया होगा ये? कम से कम 20-25 साल के लगभग हो गया जब से लोहा निकालना बंद कर। जी लेकिन कहते थे कि वो यहाँ पे कुछ खदानें थी जहाँ से पत्थर लाते थे? ये खदान तो मेरे गांव में भी है। हाँ यहाँ मतलब अपने जो गाँव है ना उसी में भी खदान है, हम लोग वहीं से लाते थे, और इधर वो चौड़ंग है, आसपास में बहुत जगह है, यहाँ कुंडा गाँव है इधर
जी जी ये इधर पा वाले यहाँ से ले जाते थे, हम लोग उधर वाले बहुत दूर से अपने गांव में आते थे, बाकी इधर कुछ लोग चौड़ा बहुत गांव में है वो। तो वो पहचान कैसे करते थे? पहचान जैसे कि वो उसको तोड़ के देखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा वो लोहा का जो कंकड़ जैसा नहीं होता, वो चमक टाइप का दिखता है, तो उससे पता लगता है कि ये पत्थर लोहयुक्त पत्थर है। ऐसा कोई कहता था कि वो उसमें नर और मादा भी होता है पत्थर में? हाँ, वो एक काला कलर का होता है और एक मतलब गेरुआ टाइप का जो ब्राउन कलर का होता है ना, वैसे टाइप का होता है। अच्छा, तो उसमें कौन सा नर होता है? ये जो काला जो हार्ड होता है ना, जैसे बेला बेला आप सुने होंगे, उसमें वो बहुत हार्ड है, और हमारे गाँव में है ना वो नरम है, तो मतलब मादा है ऐसे टाइप का। अच्छा, तो उसमें से जल्दी निकल आता है? हाँ, ये नॉर्मल है ना थोड़ा, मतलब ये जो हमारे गांव में ना जो मादा बोलते हैं वो में ज्यादा हार्ड नहीं होता, और उसमें ज्यादा मतलब हीट देने का भी जरूरत नहीं होता। अदर जात के लोग तो अभी तक कोई सीखा ही नहीं है। अच्छा, अभी तक वो, क्योंकि जैसे बेल मेटल का हुआ तेरा कोटा, उसका वुड कार्विंग हुआ तेरा कोटा हुआ, वो तो लेडीज भी कर लेती है, और ये तो मतलब गर्म करो फिर ठोको, फिर गर्म करो ठोको, तो ये अभी तक कोई दूसरे जाति के लोग नहीं किए हैं। अच्छा, ये केवल अभी लोहार ही लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये काम आगे और बढ़ेगा? हाँ, आगे देखो बनना तो चाहिए, मगर जो लोग क्या है अभी पहले जो है ना गवर्नमेंट एग्जीबिशन वगैरह में बुलाने से टी ए डी ए वगैरह सारा चीज मिलता था, लोग दौड़ते जाते थे, आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि टी डी मिलता नहीं है, कभी सेल हुआ तो हुआ, कभी नहीं हुआ तो परेशानी में फंस जाते हैं, मतलब नुकसान हो जाता है।